हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समझेंगे। जो सेक्शन 12 है वो हमें ये बताता है कि सूट फॉर डैमेजेस, कि जब कोई डैमेजेस के ऊपर सूट हो रखा होता है तो उसके अंदर अगर कोई भी फैक्ट्स जो कोर्ट को ये हेल्प करने में मदद करते हैं, उन डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, तो वो सारे के सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। अब जो सूट फॉर डैमेजेस है, सूट फॉर डैमेजेस ज्यादातर किस टाइप के सूट्स के अंदर होता है, तो हम ये देखें तो सूट फॉर डैमेजेस जो होते हैं वो सिविल सूट्स के अंदर होते हैं। और सिविल सूट्स में जब जैसे कि कोई टॉर्ट का सूट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ब्रीच होता है, तो उस जगह पे इस डैमेज को मांगा जाता है, मतलब डैमेज एज अ रिलीफ मांगा जाता है। तो जब कोई भी सूट डैमेज से रिलेटेड होता है और उसके अंदर कोई भी फैक्ट्स जो उस डैमेज को डिटरमाइन करने में कोर्ट की हेल्प करे, वो सारे के सारे फैक्ट्स क्या बन जाते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। यही सेक्शन 12 बोलता है। अब जैसे हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के केस में ही जो है बेसिकली मेनली एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वहीं पे सूट फॉर डैमेजेस जो है वो एडुकेट रिलीफ होते हैं। अब फिर ये बताता है कि जो ये जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करना है, जो अमाउंट ऑफ डैमेज है कि कितना डैमेज उसको मिलना चाहिए उस व्यक्ति को जिसने भी वो सूट फॉर डैमेज या सूट फॉर डैमेज कर रखा है, तो उसके अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डैमेज है, वो क्या कहलाता है, फैक्ट इन इशू कहलाता है। क्योंकि उसी को तो हमने डिटरमाइन करना है। फैक्ट इन इशू क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कोई चीज असर्ट की, किसी चीज पे दावा किया, और वही चीज पे दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया। तो ये जो असर्शन और डिसर्शन के बीच की बात होती है, इसी को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे सूट का जो डैमेज का अमाउंट डिटरमाइन करना है, ये क्या है, फैक्ट इन इशू है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है कोर्ट के जिसकी वजह से क्लेम जो है या जो डैमेज का अमाउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो एडमिसिबल बन जाएगा, उसको भी हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे। अब मानते हैं जैसे एक एग्जाम्पल, लिबल का एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे इन एक्शन फॉर अ लिबल द अदर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बाय द डिफेंडेंट, कि अगर जो डिफेंडेंट है, अगर मान लीजिए कि एक लिबल का केस है, उसके अंदर अगर जो डिफेंडेंट है वो कोई और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देता है जब सूट हो गया उसके बाद या सूट होने से पहले, तो वो जो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो डिफेंडेंट ने दी, वो सारी भी क्या बन जाएंगी, रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करेंगी कोर्ट को उस डैमेज को डिटरमाइन करने में। वो जो स्टेटमेंट्स उसने दी हैं उसके कारण जो डैमेजेस का अमाउंट है वो बढ़ या घट सकता है। तो इसलिए जो उस व्यक्ति ने, जो डिफेंडेंट है, उसने जो भी स्टेटमेंट्स दी उस सूट के होने से पहले या उस सूट होने के बाद, तो वो सारी भी क्या बन जाएंगी, रेलिवेंट स्टेटमेंट्स बन जाएगी। मतलब कोर्ट को वो हेल्प करेंगी इस बात को डिटरमाइन करने में कि डैमेजेस कितने मिलने चाहिए इस सूट के अंदर। ऐसे ही अगर कोई मतलब एक तरीके से एनहेंस हो जाएंगे डैमेजेस, ऐसी अगर कोई भी एविडेंस जिसके कारण जो डैमेज है वो मिटिगेट होते हैं, मतलब कि कम होते हैं, तो वो डिफेंडेंट की साइड से रेलिवेंट बन जाएंगे, क्योंकि फिर वो डिफेंडेंट को हेल्प करेंगे अपने अमाउंट को मिटिगेट करने में, कम करने में। तो इस तरीके के कोई भी फैक्ट्स जिसके कारण जो डैमेजेस हैं वो डिटरमाइन हो पा रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, किसी भी तरीके से कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं उस अमाउंट को डिटरमाइन करने में, तो उसको हम सेक्शन 12 के अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स मान लेते हैं। मतलब कि वो कोर्ट की हेल्प करेंगे उस सूट के अंदर डैमेजेस को डिटरमाइन करने में, तो वो क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स बन जाएंगे। तो सेक्शन 12 के अंदर यही बताया गया। तो बहुत छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 12, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब हेल्प करता है कोर्ट की उन फैक्ट्स को रेलिवेंट बनाने के लिए जो कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए।